जय हिंद बच्चों, मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल इस समय हम बता रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से न्यूमेरिकल बताना आपको शुरू करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ के जितने भी वीडियो हैं आप तक उपलब्ध होते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न 6। और देखिए आंकिक प्रश्न 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप समझें। चार ठे बिंदु आवेश हैं और बिंदु आवेश का मतलब आपको पता है कि वह आवेश जो बिंदुवत होता है वह बिंदु आवेश होता है। आपको QA देखिए QA QB QC और QD चारों की वैल्यू दिया गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहला काम आपका यही होता है कि क्वेश्चन में जितने भी चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को हम नोट कर लें पहले, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चार बिंदु आवेश QA की वैल्यू आपको दी गई है 2 माइक्रो कूलम और QB की वैल्यू -5 माइक्रो कूलम और QC की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम और QD की वैल्यू भी दी गई है -5 माइक्रो कूलम। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चार बिंदु आवेश ये QA QB QC QD दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ABCD है, फिगर हमने पहले से बना दिया है। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ABCD है। A पर आवेश QA 2 माइक्रो कूलाम पर B का आवेश, B पर -5 माइक्रो कूलाम का आवेश, C पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश और D पर -5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। और कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, तो वर्ग का केंद्र क्या होता है, वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु होता है वही वर्ग का केंद्र होता है। तो एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, इनका कटान बिंदु O है और O पर ही 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखने पर, देखिए यहाँ पर बिंदु O पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, आप ध्यान से देखें। बिंदु O पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है और 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पर कुल कितना बल लगेगा। एक बात आप फिगर में देखें कि एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, तो 1 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम एफ बी मान लेते हैं। फिर 1 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम इन दोनों के बीच लगने वाले बल को हम एफ डी मान लेते हैं। और एक बात आप समझिए, जो आवेश यहाँ और यहाँ है वही आवेश यहाँ और यहाँ है। तो एक बात यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि एफ बी और एफ डी दोनों की वैल्यू समान होगी लेकिन दोनों की दिशा विपरीत हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ए और सी पर देखें तो चलिए देखिए एक बात क्लियर हो गया कि एफ बी आप समझ रहे हैं एफ बी क्या है, ये ओ पर स्थित आवेश और B पर स्थित आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ बी है और O पर स्थित आवेश तथा D पर स्थित आवेश दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो एफ डी है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि एफ बी और एफ डी
दोनों यानी बी पर लगने वाला बल और डी पर लगने वाला बल, दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम ए और सी के लिए देखें तो देखें, ओ पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है और ए पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ ए है, और फिर ओ पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, सी पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ सी है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों जगहों पर सेम आवेश हैं, सेम चार्ज हैं, और इन दोनों स्थानों पर भी सेम चार्ज हैं, इसलिए एफ ए और एफ बी एफ ए और एफ सी की वैल्यू भी सेम होगी। यानी ये देखें, ओ और ए के बीच लगने वाला बल एफ ए, ओ और सी के बीच लगने वाला बल एफ सी, दोनों की वैल्यू समान होगी, लेकिन यहां भी दिशा विपरीत हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो फिर यहां पर एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी, लेकिन दिशा विपरीत है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि केंद्र पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो देखिए केंद्र पर किसके किसके कारण बल लगेगा, तो 2 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण बल लगेगा, -5 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण बल लगेगा, 2 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण बल लगेगा, -5 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बल लगेगा, यानी चारों आवेशों के कारण बल लगेगा। तो अगर टोटल लगने वाला जो बल है वो एफ है, तो एफ की जो वैल्यू होगी वह एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, इन चारों आवेशों पर लगने वाले बल के योग के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखें, एफ ए के जगह पे हम रख देते हैं माइनस एफ सी, और फिर एफ बी के जगह पे हम रख देते हैं माइनस एफ डी, और ये है एफ सी और ये है एफ डी। तो आप ध्यान दीजिए, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा, एफ डी से एफ डी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इजकल टू हो गया 0। तो आपसे पूछ रहा था कि वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो इस पर लगने वाला कुल बल 0 होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया, 20 साल में कम से कम 15 साल तो पूछा ही गया है, तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन देखते हैं इसका ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आप देखें, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु से शुरू होती हैं और दूसरे बिंदु तक जाती हैं। तो चलिए देखिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। संतत वक्र का मतलब लगातार, संतत का मतलब कंटिन्यूअस होता है, संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? अब एक बात देखिए, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं टूट जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, लेकिन जहां आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र जरूर होगा, और जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र जब भी होता है वो लगातार होता है, वैद्युत क्षेत्र कभी रुक करके नहीं होता है, और वैद्युत क्षेत्र अगर रुक करके नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र रेखा संतत वक्र के रूप में होगा। अब इसके बाद इसका 7 का बी पार्ट दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएँ
कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मान लीजिए हम एक कल्पना करके चलते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है। सपोज कीजिए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और अगर पहली रेखा पर हम पहली जो क्षेत्र रेखा है अगर उस पर हम स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो इस स्पर्श रेखा का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और स्पर्श रेखा का डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचे हैं तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि एक ही आवेश है और एक ही आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग हो? ऐसा संभव नहीं है। एक ही आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी एक होगी। और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक होगी तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यही कारण है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह क्वेश्चन नंबर 8 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और वीडियो को लाइक आप अवश्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रो कूलाम। देखिए, QA यानी A पर कोई बिंदु आवेश है और वह आवेश जो बिंदुवत होता है उसे ही बिंदु आवेश कहते हैं। QA की वैल्यू आपको दी गई है 3 माइक्रो कूलाम, और QB यानी बिंदु B पर स्थित जो आवेश है इसके बारे में दिया हुआ है, और ये दिया है -3 माइक्रो कूलाम। निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। देखो आप, यहाँ एक बिंदु A है और यहाँ दूसरा बिंदु B है, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी दी गई है वह 20 सेंटीमीटर दी गई है, और A पर बिंदु आवेश QA है और QA की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रो कूलाम, और B पर जो बिंदु आवेश है वो QB है और इसकी वैल्यू दी गई है -3 माइक्रो कूलाम। तो देखते हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखें क्या कह रहा है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB। देखिए, इन दोनों बिंदु आवेशों यानी A और B को मिलाने वाली जो रेखा AB है के मध्य बिंदु O पर, देखिए इनका मध्य बिंदु O है, और एक बात आपको समझ लेना है कि A और B के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी O से A की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, O से B की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है, O पर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए, आवेश QA की वैल्यू दी गई है 3 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके लिए 10^-6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, QA की वैल्यू निकल गई। और QB की जो वैल्यू है -3 माइक्रो कूलाम है, तो -3 × 10^-6 कूलाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि QA के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। हम मान लेते हैं कि QA के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और Q
क्यूबी के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईबी है। तो चलिए हम ईए और ईबी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है फार्मूला ई इजकल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ ईए ले लेंगे। तो ईए लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ और आवेश क्यूए हो जाएगा यहाँ। तो क्यूए की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶ और ये देखें दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। आर की जो वैल्यू है यहाँ हम नोट कर लेते हैं, आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, सेंटीमीटर में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। जब 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए हम रखते हैं फार्मूले में। तो आर स्क्वायर, आर यानी 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और अब हम यहां से ईए की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। और ये देखिए फिर 10⁻⁹ × 10⁻⁶, तो 9 − 6 क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और फिर ये 100 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। और ये हो गया 100 ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। और इस प्रकार ये देखें तो 10⁻³ और 2⁵ हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो क्यूए था, क्यूए के कारण बिंदु ओ पर लगने वाला बल हमें ज्ञात हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। अब देखें कि क्यूबी के कारण बिंदु ओ पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्यूए के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, और क्यूबी के कारण बिंदु ओ पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईबी है। अब हम यहाँ ईबी की वैल्यू हम निकाल लें। तो अब आप देखें कि ये सारी वैल्यूज वही होगी, बस अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर आवेश ऋणात्मक है, आवेश केवल ऋणात्मक है और संख्यात्मक मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आवेश 3 μC का था, यहाँ पर भी आवेश 3 μC का है। सिर्फ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव चार्ज है, अंतर सिर्फ इतना ही है। तो इसका मतलब कि जितना ईए की वैल्यू होगी उतना ही ईबी की वैल्यू होगी, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। तो ईबी की वैल्यू हो जाएगी 27 × 10⁵ N पर कूलाम। अब हम बिंदु ओ पर उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ए के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दोनों को जोड़ देंगे। और चलिए हम रखते हैं ई और ई बी की वैल्यू, और रख करके देखते हैं कि फिर ये वैल्यू क्या आ रही है। तो ये 27 × 10⁵ प्लस हो जाएगा 27 × 10⁵, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 × 10⁵। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो ये ई इजकल टू 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5.4, और अगर 10 से गुणा कर देंगे तो 10⁶, और ये न्यूटन पर कूलाम। यानी
इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम के इक्वल होगी। इसमें कोई और क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? बुक में देखिए जल्दी, इसमें कोई और क्वेश्चन? बस इतना ही है क्वेश्चन नंबर 8, और कुछ दिया हुआ है? चलिए देखिए, तो इसका वो बी पार्ट होगा, ये ए पार्ट था, ठीक ना, ये ए पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था जो अभी आपने सॉल्व किया है। अब इसका बी पार्ट हम देखें। ए पार्ट में यही पूछ रहा था कि दोनों आवेशों के मध्य में स्थित बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखा है 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगी। अब जो है इसका बी पार्ट है, इसको हम इरेज कर देते हैं, और इसका जो बी पार्ट है देखते हैं, बी पार्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है। बी पार्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि 1.5 × 10⁹ परिमाण का ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर स्थित हो, यानी ये जो बिंदु O है इस बिंदु पर एक आवेश है, बिंदु O पर के आवेश को हम QO से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो बिंदु O पर कह रहा है कि 1.5 × 10⁹ कूलाम का ऋणात्मक आवेश है, यहां माइनस कर देंगे तो बिंदु O पर 1.5 × 10⁹ कूलाम का ऋणात्मक आवेश स्थित हो तो परीक्षण आवेश पर, ये जो परीक्षण आवेश है, हालांकि हमने आपको बताया था कि परीक्षण आवेश नॉर्मली धनात्मक होता है, लेकिन परीक्षण आवेश को यहाँ ऋणात्मक मान लिया गया है। तो चलिए, परीक्षण आवेश अगर ऋणात्मक है तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना वैद्युत बल लगेगा। तो वैद्युत बल अगर आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत बल कितना होगा, तो चले आपको पता है फार्मूला कि E = F/Q होता है, और अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो E × Q हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था, वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले थे, वैद्युत क्षेत्र कितना था 5.4 × 10⁶। अभी ए पार्ट में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी वो ये थी, और क्यू, क्यू का मतलब यही QO, और ये है 1.5 × 10⁻¹। एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर चार्ज निगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज केवल फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे केवल फोर्स का डायरेक्शन क्लियर होता है, लेकिन बल की वैल्यू पूछी जा रही है तो बल का मान कितना होगा इसके लिए हम दोनों का गुणा कर देंगे। और चले देखिए, ये 5.4 × 1.5 और ये देखिए क्या है, 10⁶ और 10⁻¹, क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब हम 5.4 और 1.5 का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, 8.1 आ जाएगा, 8.1 ये × 10⁻³, और बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और आपसे पूछा जा रहा था कि ये बल कितना होगा, तो बल तो निकल गया, लेकिन देखिए बल की जो दिशा होगी या तो बी से ओ के तरफ होगी, या ऐसे देखिए बी से ओ के तरफ होगी या ए से ओ के तरफ होगी। और एक चीज हम आपको बता दें कि बुक में अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू चेंज हो जाए, तो वैल्यू चेंज अगर है तो आप अपने हिसाब से उसको रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, मेथड आपका यही होगा, सिर्फ आंसर आपका चेंज हो जाता है। तो मान चेंज होने से क्वेश्चन के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग बुक्स में कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इधर उधर कर देता है, तो उससे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके बुक में जो वैल्यू दी गई रहेगी वही रख करके आप सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार बिंदु ओ पर ये जो -1.5 इंटू 10^9 कूलाम का जो आवेश था, इस पर लगने वाला जो बल था वो 8.1 इंटू 10^-3 न्यूटन कूलाम का आवेश था, और इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। इसकी दिशा बी से ओ के तरफ या ए से ओ के तरफ होगी। तो ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बेनिफिट ये होगा कि आगे चल करके अगर आपको IIT या NEET वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आप बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि NEET और IIT में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बेल आइकन को आप प्रेस भी करें, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।